तो जनाब, हमारा ये पसंदीदा, आपका पसंदीदा सेगमेंट है दीन और दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि बहुत आप लोगों ने इसे पसंद किया है। उसकी वजह यही है कि हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म की बात आप तक डिलीवर हो जाए। बिल्कुल इसी तरह आज हम अब कोशिश करेंगे कि सच को डिलीवर किया जाए। मेरे साथ मुख्तदर उलमाए कराम बैठे हैं, और उलमाए कराम याद रखिएगा, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे उलमाए कराम का पैनल मौजूद है। आज जो हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं, उनमें मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर इसहाक आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम कैसी तबीयत है वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, खैर वाफियत अल्लाह है। के शुक्र। आज बड़े सख्त मौजू पर बात करनी अल्लाह है। और हमारे साथ एक और अल्लामा साहब मौजूद हैं, जनाब किबला अब्दुलरहमान बरकाती साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है जनाब? अल्लाह का शुक्र ठीक है, हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके पास आता हूँ। सच सच इन या यो लदीना अमनुकूनु मास्वादिकीन, ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। जी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा, ये इरशाद फरमा दिया, क्यों, वजह क्या, ज़रूरत क्या पेश आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा टॉपिक है, सच बोलना, झूठ से नफरत करना, झूठ से बाज आ जाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, और उन रोज़ों की फ़र्ज़ियत की जो रूह है, लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि ईमान वाला मुत्तकी हो जाए, ईमान वाला गुनाहों से बचने वाला हो जाए। अल्लाह ताला ने इन गुनाहों से बचने का इससे ज़्यादा कह लें कि आसान तरीक़ा बतला दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ईमान वालों, मुझसे डरो, सच बोलने वालों की सोहबत में बैठोगे तो तुम्हारे दिलों में मेरा खौफ आ जाएगा। बिल्कुल, वाह, ये अल्लाह तबारक व ताला ने जो फरमाया, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सच बोलने के कितने बड़े फ़ायदे हैं। सच बोलने वाले को अल्लाह पसंद फरमाता है, सुभान सच बोलने वाले को अल्लाह के रसूल पसंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला का शेवा है सच बोलना, तमाम अंबिया और पैगंबरों का शेवा है सच बोलना। वस्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहू कान सिद्दीकन नबिया। वाह वाह, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि वो नबी थे, नबी होने के साथ साथ सच्चे थे। वस्कुर सुभान फिल किताब इदरीस इन्नहू कान सिद्दीकन नबिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह पाक ने वही बात इरशाद फरमाई कि नबी थे, नबी होने के साथ साथ सच्चे इंसान भी थे। वस्कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहू कान सादिकल वादी व कान रसूल नबिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं अल्लाह पाक कि आप भी हमारे रसूल नबी थे, लेकिन साथ में वादों के एतबार से सच्चे भी थे। जो वादा कर लिए करते थे उसको निभाते भी थे। तो गो ये कि सच बोलना, ये अल्लाह तबारक व ताला का तरीक़ा है, अल्लाह के पाक पैगम्बरों का, रसूलों का तरीक़ा है। अगर मैं और आप सच बोलने वाले बन जाते हैं, मुसलमान सच बोलने वाला बन जाता है, तो इस सिफ़त के एतबार से मुसलमान के रिश्ता जुड़ जाता है गोया कि अपने रब के साथ और अल्लाह के नबियों पैगंबरों के साथ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत सफवान बिन सुलेम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक साहब तशरीफ़ लाए और अल्लाह के रसूल से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के रसूल, ये बतलाइए कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ, मोमिन बिल्कुल बुज़दिल हो सकता है। वो मैदानी जंग से भाग सकता है, काफिरों का खौफ उसके दिल में आ सकता है, वो तलवार का मुकाबला दिल अगर उसका न चाहे तो नहीं कर सकता, वो मैदान छोड़ के जा सकता है। उन साहब ने फिर सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, ये बतलाइए क्या मोमिन बखील हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ, मोमिन बखील भी हो सकता है। माल से मोहब्बत होगी तो वह अपनी जेबें भरे रखेगा और माल को खर्च नहीं करेगा इस खौफ से कि कहीं मेरा माल कम ना हो जाए। उन साहब ने तीसरी मरतबा फिर सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ना, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह, तो अंदाज़ा लगाइए कि ईमान और सच, इन दोनों का आपस में कितना गहरा एक रबता और ताल्लुक है। अल्लाह तबारक व ताला कभी ये नहीं चाहते हैं कि ईमान और झूठ आपस में मिल जाएं, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला की भी ये चाहत है, अल्लाह के नबियों पैगंबरों की भी ये चाहत रही है कि सच और ईमान को आपस में जोड़ा जाए, ईमान और झूठ को कभी आपस में न जोड़ा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात, कितने आला पैराए में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने बयान फरमाइए। अल्लामा अब्दुलरहमान सिद्दीकी साहब, अब्दुलरहमान साहब बरकत साहब, ये इरशाद फरमाइए, इन्होंने फरमाया सच बोलना है, झूठ नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। नहीं, तो मोमिन अगर झूठ बोले तो फिर वो क्या होता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारका में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, तो जब अगर मोमिन झूठ बोलेगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका जिक्र इस हदीस में आया। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की चार अलामतें बताएं। अल्लाह, यानी ये मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। एक बज़ाहिर अपने ईमान को जाहिर कर रहा है और अंदर ईमान को छुपा रहा है कि मैं ईमान नहीं रखता। सही। फरमाया आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब वो कोई बात कहेगा तो झूठ बोलेगा। ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है ख़वातीन और हज़रात, बहुत कान धर के सुनिए। अल्लामा साहब बहुत ऑथेंटिक हदीस मुबारक सुना रहे हैं, इसको गौर से सुनिएगा। जी अल्लामा साहब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार अलामतें हैं, अगर उन अलामतों में से कोई एक अलामत भी उस शख्स में पाई गई तो वो शख्स मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक कहलाएगा। अल्लाह, चार अलामतों में, यानी कि चारों जमा नहीं हो बल्कि चारों में से कोई एक भी पाएगा। जब बात कहेगा झूठ बोलेगा, वो किसी भी एतबार से हो, चाहे वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के एतबार से हो, चाहे वो अपने कारोबारी एतबार से हो, चाहे वो अपने पॉलिटिक्स सियासत के एतबार से हो, या किसी भी एतबार से हो, जब भी वो बात कहेगा झूठ बोलेगा। दूसरी अलामत बयान फरमाई, उसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करेगा, और जब उससे झगड़ा हो तो वो गाली देगा। यानी झगड़ा करते वक्त उसके मुंह से जो लफ्ज़ निकलेगा वो पहला लफ्ज़ होगा गाली का। यानी ये मुनाफिक की अलामतों में से, अब अल्लामा साहब आपने क्या बात कर दी, हम कहाँ जाएं। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि अभी हम वादा करने की बात कर रहे थे, तो अक्सर हम देखते हैं कभी भी किसी से किसी भी काम के लिए हम कॉल पे बात करें, किसी से कोई कमिटमेंट लें कि आप ये काम मेरा कितने दिन में कर देंगे, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आप टेलर की बात करें, चाहे आप जो है किसी और काम की बात करें, दफ्तर से इसको रिलेट करें, घर वालों से कुछ पूछें कि जी एक दिन में हो जाएगा, दो दिन में हो जाएगा। और सबसे सर जो अफसोस की बात होती है ना, वो ये होती है कि जिन लोगों के बारे में आपको ये पता है कि वो गलत कमिटमेंट करते हैं, अक्सर मैंने देखा है लोग उनको मजाक में ये भी बोलते हैं कि आप, जैसे मैं अगर किसी को बोलूं इंशाल्लाह हो जाएगा तो वो आगे से मुझे सुनने को ये मिलता है इसका मतलब नहीं होगा। ये कितने दुख की बात है कि चीज का मतलब क्या था और हम इसको किस तरह से यूज करते हैं और वाकई फिर वो वाला काम हम नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये तो पूरे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब बच्चा बाप कह दे, जा यार कह दे दरवाजे पे मैं नहीं हूं, घर पे नहीं हूं, फोन पे कह दे यार अबू बाथरूम में, तो ये हमारी सोसाइटी फिर कहाँ जाएगी। ये तो इतना खतरनाक बात यानी कि सामने आ गई है, यानी हमने इस चीज़ को बिल्कुल हल्का ले लिया है कि सच तो बोलना ही नहीं है, झूठ ही झूठ बोलना है, सोसाइटी कहाँ जा रही है। हजरत, मामला ये है कि एक है इस्लाम का, आपके शरीयत का, आपके दीन का मिजाज, और एक है मेरा और आपका अपना फितरी मिजाज। मुसलमान ने, इंसान ने अपने आप को फना करना होगा अल्लाह के दीन में और दीन इस्लाम में, ईमान में, और इस्लाम का जो मिजाज है, इस्लाम की जो तबीयत है, इस्लाम की जो फितरत है, उस मिजाज, उस फितरत, उस तबीयत पे चलना होगा। अपनी तबीयत, अपनी फितरत की कुर्बानी देनी होगी। हमारे मिजाज, हमारी फितरत अलग है, इस्लाम का मिजाज, इस्लाम की फितरत अलग है। हमारा दीन हमसे ये कहता है कि आपका फ़ायदा हो, आपका नुकसान हो, आपने सच को देखना है, आपने झूठ की तरफ नहीं जाना, आपने अपने नुकसान को कबूल कर लेना है और आपने जो है वो सच ही बोलना है, झूठ की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन इसके हवाले से दुनिया में रहते हुए हमारी फितरत, हमारे मिजाज ये बन चुका है कि हम ये चाहते हैं कि मुझसे हमेशा दूसरा आदमी सच बोले लेकिन मैं कभी किसी से सच न बोलूं। बिल्कुल। और मैं कभी किसी से कोई बात पूछूँ तो मुझसे हमेशा मेरे बच्चे हों, या अगर मैं उस्ताद हूँ तो मेरे शागिर्द हों, या कोई भी हो सामने वाला, मैं ये चाहता हूँ कि सामने वाला मुझसे हमेशा सच्ची बात करे और मैं दूसरे का झूठ और मैं दूसरे के सामने झूठ कहूँ। जहाँ तक आपने बच्चों की बात कही है, तो माँ बाप पहली दरसगाह होते हैं अपने बच्चों के लिए, और इन्हीं माँ बाप से बच्चे बनते हैं और इन्हीं माँ बाप की वजह से बच्चे बिगड़ते हैं। और मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, बारहा देखा होगा, हमारे माँ बाप अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, गलत बयानियाँ करते हैं, वादा खिलाफियाँ करते हैं। यही वो चीज़ें होती हैं कि आपने जो पहली दरसगाह में बच्चे को जो चीज़ सिखा दी,
और बच्ची ने उस सीढ़ी के ऊपर पहला पैर पहला कदम रख दिया, तब उसके बाद आप उससे ये तवक्को रखें कि ये 50 साल के बाद सच बोलेगा, ये कभी नहीं भूलेगा। इसके पास हमेशा सच झूठ बोलने के तरीके आएंगे। और हमारा माशरा, माशरे की आपने बात की, माशरा ऐसा बन चुका है कि झूठा आदमी सबसे ज़्यादा समझदार और होशियार समझा जाता है। बिल्कुल, सच्चे आदमी को, सच्चे आदमी को कोई अच्छी निगाह से देखते बेवकूफ़ समझा जाता है। इस बात को हम अगर उस ज़माने से, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इस्लामिक, उससे अगर कंपेयर करें तो वो एक वाकया था कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा था, और वो वाकया काफ़ी बड़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था कि अगर मैं तुम्हें कहूँ, जब दावत इस्लाम पेश की थी पहली मरतबा, कुरैश मक्का के कबाइल को जमा फरमाया था, ज़िमनन बरकत के लिए वाकया भी बयान फरमा दीजिए, कुरैश मक्का के सारे कबाइल को जमा फरमाया था। वो दरअसल हुज़ूर अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग फरमा रहे थे और दीन इस्लाम की तरफ लोगों को दावत दे रहे थे, और मक्का मुकर्रमा के काफिर भी थे, तो वो भी अल्लाह के रसूल को सच्चा और अमानतदार तसव्वुर करते थे, ख्याल करते थे। जबल अबी कुबैस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन कबाइल को जमा फरमाया, और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे दरियाफ़ फरमाया कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन है और वो अभी अचानक ही तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन रखोगे, उसको मानोगे? तो उन काफिरों ने बयक जबा होकर कहा कि जी हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए सुना नहीं है, आप हमेशा से सच्चे हमारे सामने नजर आए हैं, हम आपके बात पर मुकम्मल यकीन रखेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुम कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह। बहरहाल ये कितनी प्यारी बात रही है, और हकीकत यह है कि हम इस दीनो दुनिया के सेगमेंट के थ्रू एक चीज तो डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है इल्म। बिल्कुल, अल्लाह करे वो पॉजिटिव इल्म हम लोगों तक, क्योंकि आपको पता है फसाद फैलाने वाले बहुत हैं, हमने कोई फसाद नहीं फैलाना, हमने एक अच्छी बात और वो भी सच बोलना आज हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लामा अब्दुर्रहमान बरकाती साहब, ज़रा ये इरशाद फरमाइए, तिजारत एक ऐसा हमारा शोबा है जिसमें सच झूठ का बहुत ज़्यादा जो है ना हिस्सा है। सच तो तिजारत में बोला ही नहीं जाता, क्योंकि एक आम कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि यार सच बोलेंगे तो माल नहीं बिकता, ये क्या है, इसको कैसे आप देखेंगे, कितना अब हमें कुछ इसकी फजीलत बताएं कि अगर हम सच नहीं बोलेंगे, माल नहीं बिकेगा, तो क्या हम फाको मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे? जब हम अपना माल तिजारत फरोख्त करें और उसमें सच बोलें तो उसमें इतनी बरकत होती है कि बज़ाहिर झूठ बोलकर हम माल ज़्यादा हासिल कर लेते हैं, नज़र आता है कि माल ज़्यादा मिल गया झूठ बोलने से, लेकिन उसमें अल्लाह ताला बरकत नहीं डालता, उससे बरकत उड़ जाती है। जैसे कि मैं आपको एक वाक्य बताऊं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह अनु का, आप माशाल्लाह बहुत बड़े कपड़े के ताजिर थे, तिजारत किया करते, कई ममालिक में आपका माल जो है वो जाया करता था। आपने अपने किसी ग़ुलाम को कहा कि मेरा ये कपड़ा जो है फ़रोख्त करके आ जाओ, और उसमें एक ऐब है, ये ऐब बेचने वाले को ज़रूर बता देना कि इसमें यह ऐब है, ये खामी है। तो वो ग़ुलाम गया और जाकर उसने उस कपड़े को बेचा, ग़ुलाम उस ऐब को ख़रीदार को बताना भूल गया, जानबूझ के नहीं, अनजाने में ऐसा हो गया। अब वो ख़रीदार कपड़ा लेके जा चुका और ये ग़ुलाम माल लेकर आया, हालांकि ऐब सिर्फ एक कपड़े के थान में था, सारे माल में ऐब नहीं था। जब ये सारा माल तिजारत फरोख्त करके ग़ुलाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह अनु के पास आया, तो हज़रत ने सबसे पहला सवाल ये किया कि बताओ क्या तुमने उस ऐबदार कपड़े के थान को बेचते वक्त ख़रीदार को आगाह किया था? अल्लाह, तो उस वक्त ग़ुलाम के जहन में याद आया कि नहीं हुजूर मैं ये बताना भूल गया, तो हज़रत ने फरमाया कि मैं कैसे जजमेंट करूं कि वो माल कौन सा है, तो लिहाजा आपने अपने उस सारे माल को जो फरोख्त किया था उसका जितना पैसा था सारा का सारा सदका कर दिया, अपने पास रखना गवारा नहीं किया। तो इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे असलाफ ने हमें ये बताया कि भले आपका माल सारा का सारा लॉस में चला जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन तिजारत में झूठ नहीं बोलना, और अपने माल में अगर बरकत चाहते हो तो उसमें सच बोलो। आप अपना कन्वेंस और जितना भी आपकी लेबर लगी है, जितना भी आपका एक्सपेंस हुआ है, आप उसे मिलाकर ये कहें कि ये चीज़ मुझे इतने में पड़ी है, मैं इतने बेच रहा हूँ। अब ख़रीदार, आप बोले मेरे ख़रीदार, वो उसके इख्तियार में है, वो चाहे तो उसे ख़रीद ले, ठीक है। अब अलामा साहब बात ये है कि मेरे जैसे जो ज़ाहिर परस्त लोग होते हैं,
वो तो कहते यार मौलाना क्या बात करते हो, बरकत किधर है, बरकत नजर ही नहीं आती, बरकत अच्छा, क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे करें, बरकत क्या होती है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें बरकत की दो सूरतें हैं, बाज़ औक़ात तो वो चीज़ बज़ाहिर बढ़ जाती है, जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, अल्लाह ताला का भी इरशाद है कि आप माल सदका करते हैं तो 10 गुना अल्लाह पाक उसमें इजाफा फरमा देते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि आपने 100 रुपये खर्च किए तो उसके बदले में आपको 1000 रुपये मिल जाते हैं। यह ज़ाहरी एक बरकत है जिसको देखने के बाद फिर में, और आप हर इंसान देखने के बाद ये समझ सकता है कि जी हाँ माल में इजाफा हो गया, बरकत के माने आते हैं बढ़ जाने के। और कभी ऐसा होता है कि बज़ाहिर उस चीज़ में, उस माल में इजाफा नहीं होता, या जैसा कि लोग हमें उम्र में बरकत की दुआ देते हैं, आप बच्चों को बरकत की दुआएं देते हैं उम्र में, ज़िंदगियों में, तो उसकी वो ज़िंदगी वही रहती है, तो वहाँ फिर उस माल में बरकत का, उस उम्र में, ज़िंदगी में बरकत का मफहूम ये होता है कि थोड़े से माल से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लेना, थोड़ी सी ज़िंदगी से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेना। एक छोटी सी उम्र में बाज़ औक़ात अल्लाह पाक बंदे से काम ज़्यादा ले लेते हैं, यानी एक आम आदमी जो 100 साल की उम्र में जितना काम कर लेता है, जिसकी ज़िंदगी में बरकत होती है, वो उतना काम 50 60 70 साल की उम्र में कर लेता है, तो ये उसके वक्त में, उसकी ज़िंदगी में, उसकी उम्र में एक बरकत होती है। तो ये है बरकत का मफहूम, कभी ज़ाहिर में वो चीज़ बढ़ जाती है और कभी ज़ाहिर में नहीं बढ़ती, बल्कि बातनी एतबार से उस चीज़ में इजाफा हो जाता है, अल्लाह पाक उसमें बरकतें नसीब फरमा देते हैं। ठीक है, अच्छा जो सच्चा ताजिर है, सच्चा ताजिर एक मुख्तसर इसकी मुझे दे दें तारीफ। सच्चा ताजिर जिसके बारे में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सच्चा ताजिर है, तिजारत करते हुए सच बोलता है, तो वो कल जन्नत में मेरे साथ हो। सुभान अल्लाह, सच्चा ताजिर मुबारक हो उसको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी है कि जो अपनी तिजारत के मामलों में सच बोलेगा जन्नत में वो मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। तो अब हमारे साथ यहाँ ऑडियंस भी मौजूद है, हम चाहेंगे कि ऑडियंस से भी कुछ सवाल ले लें। जी, किस किस को सवाल करना है हमारे उलमाए कराम से, पूछिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों की मौलमीन की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी मालूमात हमें दी। मेरा एक सवाल है, जिस तरह से गुनाह के कुछ दर्जात होते हैं, गुनाह कबीरा और सगीरा, क्या इस तरह झूठ बोलने के भी दर्जात होते हैं, और एक झूठ बोलने का हमें कितना गुनाह जो सज़ा है वो मुकर्रर की गई है अल्लाह की तरफ से? बहुत अच्छा सवाल। अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब, सवाल आपने सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से गुनाहों के दर्जात हैं, सगीरा हैं, कबीरा हैं, इसी तरह जो है सच और झूठ, झूठ के दर्जे नहीं हैं कि झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ झूठ होता है, और सच एक ऐसी चीज़ है कि जो छुपाए नहीं चुकता। आप अगर सच बोलेंगे तो आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा, झूठ बोलेंगे तो दिल में बेचैनी रहेगी, हदीस मुबारका का मफहूम। सुभान अल्लाह, बिल्कुल जी, झूठ से। डॉक्टर साहब, आप इसको और मज़ीद कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे? बस यही है, बिल्कुल अच्छी बात कही है कि सच सच होता है, झूठ की कोई अलग से मतलब इसके दर्जा नहीं, सच सच है, ये आपको जन्नत में ले जाएगा अल्लाह की मिला देगा। काज़िबीन, सवाल ये हुआ कि अल्लाह ने उसके ऊपर क्या इरशाद फरमाया, तो अल्लाह ने झूठे पर लानत फरमाई है। झूठे पर लानत, और लानत का मतलब ये होता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना, और अल्लाह ताला के तमाम इनामात और जितनी रहमतें बरकतें हैं उससे इंसान दूर हो जाए। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर कोई और अजाब, कोई और सजा नहीं है। सर, लेकिन ये बताइएगा, अगर झूठ बोलने की नीयत कुछ और हो, किसी के भले के लिए कोई चीज छुपाई हो, किसी के भले वो के तो लिए, फिर मैं इंशाल्लाह इनसे क्वेश्चन करूंगा इंशाल्लाह कि कहां कहां सच छुपा जा सकता है। डोंट वरी, दूसरा सवाल लेते हैं हमारी ऑडियंस से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है, मैं जॉब करती हूँ और मैं ऑफिस, जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मैं थोड़ी लेट हो रही होती हूँ तो मेरे बॉस का फ़ोन आता है, तो मैं उनसे कहती हूँ बस मैं पहुँच गई, मैं ऑफिस के करीब हूँ, बस मैं पहुँच गई, मैं ऑफिस के करीब हूँ। हर कोई बोल रहा होता है झूठ भाई, तो ये मेरा झूठ में आता है, ये तो आएगा तो झूठ के जुमरे में ना आएगा तो सही, लेकिन ऐसा मैं करीब करीब होती हूँ, लेकिन मुझे यही कहना पड़ता है बस मैं करीब हूँ, बस मैं करीब हूँ। और अगर सच बोलेंगी तो? सच बोलूंगी तो डांट, डांट आपको पसंद नहीं है? डांट बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, डांट बर्दाश्त नहीं है तो आखिरत का अजाब बर्दाश्त नहीं, नहीं वो तो है, लेकिन डांट भी बर्दाश्त हो जाती है, वो ये समझ जाते हैं, कहते हैं मुझे पता है। पर हमारे उलमा कराम, लेकिन मेरे मुंह से यही निकलता है बस मैं ऑफिस से करीब हूँ, बस मैं करीब। सर वैसे ये झूठ तो नहीं हुआ ना, ऑफिस से करीब हूँ, अब कितना करीब हूँ? सवाल करने का अंदाज बतलाता है कि इस चीज का एहसास है कि ये बात गलत है, और बंदे को इस चीज के ऊपर नदामत हो जाए, एहसास हो जाए, तो हदीस शरीफ में आता है कि तौबा इसी चीज़ का नाम है।
सुभान अल्लाह। और हमें इन गुनाहों पर एहसास हो जाना चाहिए, इसलिए कि यही वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा ईमान तबाह होता है, ईमान में फसाद आता है। हमें इन चीज़ों से बचकर अपने ईमान को बिगाड़ से बचाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही। हमारी ऑडियंस में आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे, इसके बाद आप शेयर करना चाहेंगे तो। आजकल के सूरत हाल में बाज़ मामलात और बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत हाल सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जिसमें अगर हम सच बोल दें तो मामलात बिगड़ने का अंदेशा होता है। ठीक, तो ऐसे मामलात में, ऐसे वक्त में क्या मसले थे, झूठ बोल सकते हैं? वही सवाल आ गया कि भाई हमें कहाँ सच छोड़ने की इजाज़त है। من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان। सच छोड़ने की इजाज़त में एक सूरत कुरान करीम ने यह बयान फरमाई है कि कोई काफिर, कोई दुश्मन आपके सर पर खड़ा हो और वह आपसे कहे कि जी कल मैं कुफर ज़ुबान से निकालोगे तो आपकी जान बख्शी होगी, तो उस सूरत में दिल अगर आपके ईमान से भरपूर होगा और ज़ुबान से आप सिर्फ कलमे कुफ़रिया कह देते हैं अपनी जान उससे बचाने के लिए, तो वहाँ आप झूठ का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा दो मुसलमानों को आपस में जोड़ने के लिए इन नमल मोमिनून इख्वतुन फअस्लिहु बैना ख़वैकुम, अल्लाह पाक का इरशाद है कि मुसलमानों को आपस में जोड़ो, उनके आपस में सुलह करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर जो उसमें आपको थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेना पड़ जाए, जिसकी मिसाल मैं आपको दे दूँ कि दो मुसलमानों की आपस में लड़ाई है और दोनों एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं, आपको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, आप उन दोनों के बीच में सुलह करना चाहते हैं, आप एक के पास जाके कहते हैं कि साहब आप उनकी इतनी बुराइयां करते हैं, कल मैं उनके पास गया था वो आपकी इस तरीके से तारीफें कर रहे थे हालांकि उसने कोई तारीफ़ नहीं की, तो इस झूठ बोलने पर अल्लाह ने आपके लिए अजर रखा है दो मुसलमानों को आपस में जोड़ने के लिए। और जो सवाल है आपका कि मामलात बिगड़ते हैं, तो मामलात घरेलू बिगड़ते हैं, बहुत शिद्दत में जाकर वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में शायद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का कौल है कि ऐसे मौके पर सच बोलकर बिगाड़ और फसाद मचाने से बेहतर है कि आप सुकूत इख्तियार करें। जी, आप शेयर करना चाह रहे हैं कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। अक्सर औकात देखा गया है और सुना भी है कि सच कड़वा होता है, कहा जाता है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सच कहने का तरीक़ेकार तलख है तो और ही कड़वा हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सच कहने का तरीक़ेकार एटीट्यूड जो है वो अच्छे अल्फाजों के साथ अगर कहा जाए तो काफ़ी हद तक वो सच बर्दाश्त भी हो जाएगा और चीज़ जो कहने वाली वो मान भी जाएगा, यानी मौइज़ा हसना के साथ है। बहुत अच्छी बात की है। जी फरमाइए। सच को इस अच्छे अंदाज में बयान किया जाए कि सुनने वाले को वो सच बुरा ना लगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक छोटा नौमर लड़का है जिसने अभी दीनी तालीम हासिल की है, उसने पूरा वजू का तरीक़ा सीख लिया, उसने असातज़ा से सीखा कि तरीक़ा क्या है। वो मस्जिद जाता है, देखता है कि एक उम्र रसीदा शख्स उसके बराबर में वजू कर रहा है। वो बच्चा देख रहा है कि इनके वज़ू में अगलात हैं, बहुत सारी खामियां हैं, तो वो बच्चा अपने वज़ू को मुकम्मल करके कहता है बुज़ुर्गों मेरी आप इसलाह फरमाएं, क्या मैं वज़ू सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ आप मेरे बड़े हैं। तो बच्चा जब पूरा सही तरीके से वज़ू करता है तो वो बुज़ुर्ग देखता है कि बच्चे ने तो वज़ू सही किया, मेरे अपने वज़ू में गलती थी और इसने अच्छे तरीके से। मैं ये सवाल करती हूँ, बाज़ लोग झूठ बोलते जा रहते हैं और अपने झूठ पर वो नहीं करते कि हम झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या है? ओहो, यानी झूठ बोलना फिर उस पर कायम रहना, कायम रहना मुनाफिक की अलामत है। इकरार की अलामत बताई ना, इकरार भी नहीं करना कि मैं झूठ बोलता हूँ, बस तो ये बता दिया अल्लाह सामने। हदीस मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की चार निशानियाँ, यानी चारों में से अगर एक भी निशानी उसके अंदर पाई गई तो वो मोमिन नहीं कहलाएगा, वो मुनाफिक कहलाएगा। तो उसमें से ये भी है कि जब भी वो कोई बात कहेगा झूठ बोलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल करूँगा डॉक्टर साहब, एक हदीस मुबारक आका ने फरमाया कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता, इसको ज़रा क्लियर करें। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जाँच पड़ताल के हवाले से फरमाया है कि इत्तकु फिरासत अल्मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ये भी अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मोमिन की फिरासत से बचो, इसलिए कि यंजुरु बिनूरिल्लाह, वह आम नज़रों से नहीं देखता,
بلکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک جگہ سے، ایک فرد سے کسی جگہ سے اس سے دھوکہ ہو گیا تو دوبارہ سے وہاں سے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اتنی سمجھ اور اتنی عقل اس میں ہونی چاہیے کہ دوبارہ جب اس کو وہاں سے ڈسا جائے تو قبل از وقت اس کو اس چیز کی خبر ہو جائے اور اس چیز کا احساس ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر اگر میں ایک سوال یہ کروں، جی ہمارے یہاں تو جو سیاسی پارٹیاں دو دو تین تین دفعہ آ چکی ہیں، تو یہ تو ہماری کمزوری ہے نا، پبلک کی کمزوری ہے، سیاسی ہماری قائدین کی اور ہمارے ان وزراء کی تو کمزوری نہیں ہے، وہ تو اپنی چیز میں کامیاب ہیں، وہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں، وہ بالکل وہ منجن بیچ رہے ہیں یا جو بھی ہیں، وہ تو اپنی اس چیز میں اپنے ہدر میں کامیاب ہیں، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم ہمیشہ ان کی انہیں باتوں سے ڈسے جاتے ہیں اور ہمیں سالہ سال گزر جاتے ہیں، مہینے بھی نہیں، اور ہم اس چیز میں کمزور۔ بہرحال جی، یہ سچ کا ہمارا سیگمنٹ تھا دین و دنیا میں۔ میں اپنے مقتدر علماء کرام کا بہت شکر گزار ہوں، انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر کے آئے۔ خواتین و حضرات، سچ بولنا بہرحال اپنی عادت بنائیں، جھوٹ بولنا عادت بن چکی ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ کوشش کر کے چھوڑا جائے۔ انشاءاللہ اللہ جب ہم جھوٹ بولنا چھوڑیں گے اور سچ کو اپنانا شروع کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستے آسان کر دے گا۔